हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन चीला मसाला डोसा रेसिपी, जिसमें आपको चीले का भी और डोसे का भी टेस्ट आएगा और जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप घर के बेसिक से सामान से बना सकते हैं और सबको बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बेसन चीला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें डाल देंगे बेसन। तो ये मैंने एक कप डाल दिया है। टोटल मैं यहाँ पर 1.5 कप बेसन का यूज कर रही हूँ, तो आधा कप मैंने और डाल दिया। और इसी के साथ 1/4 कप मैं डाल रही हूँ इसमें सूजी, 1/4 कप ही डाल रही हूँ मैं इसमें दही, स्वाद के अनुसार नमक, कलर के लिए आधा छोटी चम्मच हल्दी, साथ ही में 1 कप पानी डालकर इसको हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने सूजी का यूज किया है, सूजी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि सूजी डालें, क्योंकि सूजी हेल्दी भी होती है और इससे जो हमारा डोसा बनेगा वो क्रिस्पी भी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसको पीस लिया है। अब ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल और इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमने इसको बॉल में ट्रांसफर कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए होगा और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जैसे नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जाके थोड़ा थोड़ा सा रिबन बन रहा है। इसी तरीके का हमें इसका बैटर चाहिए होगा। तो इसको रख देते हैं साइड, कर लेते हैं एक और छोटा सा काम। तो अब मैंने यहाँ पर एक और मिक्सिंग बॉल लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर, 1 टेबल स्पून के बराबर है, और 1 टेबल स्पून ही बारीक कटा हुआ चकुंदर, 1 टेबल स पून बारीक कटी शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टमाटर लिया था छोटे साइज का, बीज निकाल के ले लिए हैं। टमाटर आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं हूँ दिल्ली से, यहाँ पर 160 पर केजी है। तो आप कौन से शहर से हैं और आपके शहर में टमाटर का क्या रेट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें टमाटर स्किप भी कर सकते। फ्रेंड्स, अब मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप पनीर। पनीर को मैंने इससे छोटा छोटा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और साथ ही में मैंने एक ग्रेट करके आलू लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और 2 चम्मच लिया है यहाँ पे मैंने पेरी पेरी मसाला, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। तो फ्रेंड, जैसे यहाँ पे मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है, इसकी जगह आप मैगी मसाला या फिर अमचूर पाउडर का या फिर आप चाट मसाला का भी यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच से कम नमक। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी जो फिलिंग है बनकर तैयार है। इसे रख देते हैं साइड, चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है डोसा तवा, नॉन स्टिक है, आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन का भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने 2 से 3 बूंद ऑयल डाला है और टिश्यू पेपर की हेल्प से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा तवा गर्म होगा, उस पे हम 1 चम्मच डालेंगे बैटर और जिस तरीके से हम डोसे को फैलाते हैं वैसे ही इसको गोल गोल फैला देंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो जैसे ही ऊपर से ड्राई ड्राई लगने लगे, तो इस पे हम डाल देंगे लाल चटनी 1 चम्मच, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिली सॉस, आपके पास हरी चटनी हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसको हम फैला देंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा चीला मसाला डोसा है खाने में टेस्टी और मजेदार सा लगे, चटपटा। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ हमारा चटपटा खाने का मन होता ही है। तो मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसके किनारे किनारे डाल देंगे, बहुत ज्यादा ऑयल का यूज हम नहीं करेंगे। हम इसके बीच में रख देंगे स्टफिंग, ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टफिंग इस पे फैला दी है। तो अब हम इस पे तिला की हेल्प से इसको किनारे से छुटा लेंगे, बड़ी आसानी से छूट जाता है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से सिकने दें, अगर ये कच्चा रहता है तो टूटने का डर रहता है। तो हमारा डोसा हो गया है क्रिस्पी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा डोसा है रेडी, इसको हम निकाल लेते हैं। प्लेट टिश्यू से हम तवे को फिर से क्लीन कर लेंगे, ऑयल नहीं लगा रहे हैं हम, तवे को खाली क्लीन कर रहे हैं। फिर से हम बैटर लेंगे, तवे पर डाल देंगे, 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ बड़ा, और इसको हम गोल और पतला फैला देंगे इस तरीके से गोल गोल। तो ये देखिए अच्छे से फैल गया है, इसको इधर से हम सिकने देते हैं क्रिस्पी होने तक। ये ऊपर से ड्राई हो गया है, मैं इस पे फिर से लाल चटनी और ग्रीन चिली सॉस डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देंगे। फिर से अपनी फ्लिंग रख देंगे, किनारे किनारे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, सिर्फ 2 बूंद।
तो हमारा डोसा है रेडी, इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सभी को बना लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे सभी बेसन चीला डोसा बनकर हैं तैयार, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी भी लगते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। मैं दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग, खाने में तो मजा ही आ जाएगा, इतना टेस्टी बना है और सबको बहुत ही पसंद आएगा, बच्चे बड़े इसको बड़े ही मन से खाएंगे। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।